ईमान की हृदय बसत है। निजामे कायनात अल्लाह के तारुफ के लिए है, इसका इनकार करने वाला अल्लाह तक पहुंचेगा, जो इसका इनकार नहीं करेगा वो अल्लाह तक नहीं पहुंचेगा। निजामे कायनात अल्लाह के तारुफ के लिए है, जो निजामे कायनात का इनकार करेगा वो अल्लाह तक पहुंचेगा, जिसका इनकार नहीं करेगा वो अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौजीह का तरीका यह बताया है कि अल्लाह की तरफ रुख करने का मतलब यह है, हर शक्ल का इनकार इस तरह करो कि उस शक्ल से मायूसी जाहिर करो कि हम इस शक्ल से मायूस हैं, इस तरह शक्ल का इनकार करो। इसलिए जितना निजाम कायनात है, इस सब का इनकार करना अल्लाह पर ईमान लाने के लिए शर्त है। अल्लाह पर ईमान लाने के लिए शर्त है ये कि निजाम कायनात के इनकार करो कुदरत के मुकाबले में। अगर निजाम कायनात के इनकार नहीं करोगे कुदरत के मुकाबले में, तो निजाम कायनात हमारे और अल्लाह के दरमियान हायर होगा, इसको साफ तौर से मिलेगा। अल्लाह मखल फरमावे, अल्लाह इकबाल अफसराले साफ फरमा दो, ये काबिल की पहचान नहीं है, ये वो आका को गुम होगा, पहचान नहीं है ये काबिल। जो काबिल को पहचानना हो तो देख लेना कि वो चांद में, सूरज में, सितारों में, किसी में गुम होगा। और अगर मोमिन को पहचानना है तो मोमिन इस खिलौने से पहले दिन गुजर जाता है, पहले दिन गुजर जाता है, ये कुछ नहीं है। हम समझते थे कि अगर चांद पर पहुंच गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको शहादत की उंगली के इशारे से काटा है, चांद पर पहुंचते समझो कि हम आगे बढ़ गए, इसको शहादत की उंगली के इशारे से काटा है, ये इशारा ना इबादत का इशारा था। ये चांद सूरज सितारों की हैसियत बताने के लिए मौजूदा जाहिर हुआ था, ये इस मौजूदे का मकसद ये है कि हम जिस तजवीज तरीकों की तरफ बुला रहे हैं, ये तरीके इन गोरखंडों को इस तरह काट देंगे कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। बच्चे रहते हैं, घर बनाते हैं, एक उंगली फेरते हैं फिर जाता है, बाकी कह रहा हूँ खुदा की कसम इस निजाम कायनात की तवज्जो से हैसियत नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी उम्मत को कयामत तक के लिए बता दिया कि तौजीह क्या है, इस सब का इनकार करते चले जाओ कुदरत के मुकाबले में। है ये नहीं है कि इनकार करना है ईमान है, कि नहीं इनकार करना ईमान नहीं है, जरूरत के वक्त अल्लाह के गैर की तरफ से आने वाली मदद का इनकार करना ये ईमान है, यहां से ईमान बैठकर नहीं ईमान बना हुआ है। नमरूद का इनकार, शक्लों का इनकार, इतनी शक्लें बनी हुई थी सबको तोड़ा, सबको तोड़ा, ये शक्लें इन शक्लों को तोड़ा इसलिए है कि शक्लों से मुताल्लिक हमारे मसाइल नहीं है। अच्छा जी, हमारे मसले शक्लों से मुताल्लिक नहीं है और अपना मसला आप जिब्रील से कहेंगे, ये क्या बात हुई कि जिब्रील की शक्ल है, बुद्ध की शक्ल है, हमें तो आपने शक्लों से रोक दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं गैर मुताल्लिक शक्लों को तोड़कर किसी मुताल्लिक शक्ल से उम्मीद करूं। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान सिर्फ ये नहीं था कि शक्लों का इनकार कर दिया, बल्कि ईमान ये था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब आग में डाले जाने से पहले अपनी मदद पेश की, फरमाया क्या हुक्म है, फरमाया अम्मा इलैका फला, हमें तेरी कोई हाजत नहीं है। जिब्राइल अल्लाह के गैर की तरफ से आते नहीं है, नबियों की तरफ आते हैं, हुक्म से आते हैं, और सबसे बड़ी मखलूक है, इससे बड़ी कोई मखलूक नहीं है। ये देखना ये था कि शक्लों का इनकार करते करते कहां तक पहुंचे, हमें आपकी हाजत नहीं। इसलिए अल्लाह ने आग को बराह रास्त हुक्म दिया है, अल्लाह ने आग को हुक्म बराह रास्त दिया है। देखो मेरे दोस्तों अजीजों, मेरी आप सबसे आजिजाना मुखलिसाना वालेहाना दरख्वास्त है कि अपने मुजाकरों में
ईमानियात को गालिब रखो, ये इस्लाम का इम्तियाज है। मौलिया साहब ये फरमाते थे कि मैं इस्लाम का नाम रखता तहरीक ईमान नाम रखता। क्यों? इसलिए कि सारी बेदीनी दो वजह से है, ये अल्लाह के गैर से मोहब्बत है, ये अल्लाह के गैर का तासुर है, इसके अलावा कोई वजह ही नहीं है बेदीनी की। दो किस्म के लोग बेदीन होंगे, अल्लाह के गैर से मुतासिर होने वाले, अल्लाह के गैर से मोहब्बत करने वाले, या गैरों के तरीके उनके तासुर की वजह से, या गैरों के तरीके उनसे मोहब्बत की वजह से। दोनों चीज ईमान के खिलाफ है कि तुम्हें कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जिस तरह हवा अल्लाह के रसूल और उनके तरीके तुम्हें अल्लाह के गैर अल्लाह के गैर से ज्यादा महरूम न हो जाने, तुम मोमिन हो ही नहीं सकते। तो मैंने अर्ज किया कि ये बुनियादी चीज है, मस्जिद के माहौल में जाकर यहाँ ईमान की दावत जम कर दो और जाहिरी शक्लों से यकीन खुलकर हटाया करो, बेतासुर बोला करो, यानी मुतासिर मत हुआ करो, खुलकर तौहीद बयान करो अल्लाह की। अल्लाह ही करने वाले हैं, इसकी दावत रोजाना जम कर दिया करो। मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि हमारी तबीयतें किस्से कहानी की तरफ जा रही हैं, इससे कहानी किससे दे दी जा रही है। अल्लाह की तौहीद को बयान करने का शौक और जज्बा नहीं है, क्योंकि ये दीन की असल बुनियाद है, सारी इताअत की बुनियाद ईमान पर है, इताअत की बुनियाद ईमान पर है। इसलिए सबसे पहला काम यह है कि शक्लों का इनकार करो, और शक्लों के इनकार में शक्लों का इनकार जो किया करो वो सहाबा के वाकयात से किया करो। हाँ, ये नहीं अल्लाह के गैर से नहीं होता के नहीं हो के अल्लाह के गैर से न होने के क्या वाकयात है कि अल्लाह के गैर से नहीं होता, अल्लाह की ज़ात आदि से होता है। इसमें इसके लिए सहाबा के बेशुमार वाकयात है। एक साथ आगे अर्ज किया गया है अर्थी अल्लाह वो तो मैं खारिज फैल गई है। फरमाया कैसे कि एक को होगी जी मैं सबको हो गई, आपने फौरन इस चीज को निकाला अंदर से कि नहीं ऐसा नहीं है कि एक ऊंट को खारिज हुई है। फरमाया कि पहले ऊंट को खारिज कहां से हुई, अब पहले ऊंट को कहां से हुई। अल्लाह का अमर ऐसा नहीं है कि उसका अमर हुआ तो ना एक के लिए फैल गया सबने, नहीं अल्लाह का निजाम ऐसा 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 बेकाबू नहीं है कि अमर एक के लिए किया अल्लाह ने और फैल गया खारिज सब ऊंटों में, ऐसा नहीं हो सकता। आपने फौरन इतना फरमाया